आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। प्रदेश की विभागीय समीक्षा में भिंड जिले के पंचायत विभाग ने विभिन्न योजनाओं में उल्लेखनीय सफलता हासिल कर प्रदेश में कुल मिलाकर चौथा स्थान प्राप्त किया है। दरअसल मध्य प्रदेश शासन पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने अप्रैल माह 2023 की ग्रेडिंग जारी की है, जिसमें भिंड जिले ने समूचे प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त किया। विभाग अंतर्गत संचालित योजनाएं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, स्वच्छ भारत मिशन पंचायत सेक्टर, सीएम हेल्पलाइन और जिला स्तर पर जनपद पंचायत की ग्रेडिंग के आधार पर अप्रैल 2023 की जिलेवार और संभागवार प्रगति का आकलन ग्रेडिंग प्रणाली के माध्यम से किया गया। उक्त योजनाओं और घटकों के लिए ग्रेडिंग के लिए निर्धारित अंकों के अनुरूप पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी ग्रेडिंग में मिंड जिले ने नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और सीएम हेल्पलाइन में बाजी मारते हुए ए ग्रेड प्राप्त की है। वहीं आजीविका मिशन में बी ग्रेड प्राप्त हुई है और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण और पंचायत में सी ग्रेड प्राप्त की है। हालांकि पूर्व में रहे जिला सीओ जेके जैन के नेतृत्व में भिंड जिले ने काफी खराब प्रदर्शन किया और प्रदेश में 18वें पायदान पर चला गया, लेकिन इस बार नवागत सीओ मनोज कुमार सरियाम ने अपने कुशल नेतृत्व से भिंड जिले को चौथे पायदान पर लाने में सफल रहे। अब देखने वाली बात होगी कि भिंड जिला प्रथम स्थान पर कब आता है। वैसे अभी भिंड जिले से बालाघाट, राजगढ़ और ग्वालियर ही आगे, बाकी सब पीछे चल रहे हैं। सर इस बार भिंड जिला फोर्थ रैंक आया है सर, सभी योजनाओं में मिला के। और सर कौन कौन सी योजनाओं में क्या रैंक प्राप्त हुए सर? सबसे पहले तो आप सभी को और हमारे सभी कर्मचारियों को बधाई, सभी अधिकारियों को बधाई। लोग कहते हैं कि भिंड में कुछ काम नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भिंड में काम होता है, करने वाला चाहिए। तो मेरे सारे कर्मचारियों को बधाई देता हूँ, सब लोगों ने बहुत मेहनत की। तो ओवरऑल जो हमारी मंथली ग्रेडिंग होती है उसमें हम फोर्थ रैंक में आए हैं। अगर थोड़ा सा और प्रयास करते तो हो सकता है फर्स्ट भी आ जाते हैं। अगले माह हम प्रयास करेंगे कि फर्स्ट आएँ और बहुत सारी योजना में फर्स्ट आएँ। जैसे सीएम हेल्पलाइन में हम फर्स्ट रैंक में हैं, मनरेगा में फर्स्ट में हैं, ऑलमोस्ट SBM में फर्स्ट आने की स्थिति में है, MDM में हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब एक एटमॉस्फेयर बन गया है, आगामी समय में ऐसे ही लोग काम करते रहेंगे तो हम निश्चित रूप से फर्स्ट रैंक को प्राप्त करेंगे।